वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिली सभा के दौरान खासवाड़ी श्मशान के पास फैले अतिक्रमण को दूर करने के लिए काउंसलर द्वारा की गई चेतावनी और धारदार रजूआत के बाद आखिरकार अतिक्रमण विभाग एक्शन में आते हुए आज मेयर तथा म्युनिसिपल कमिश्नर की मौजूदगी में ही खासवाड़ी श्मशान और आराधना सिनेमा तक फैले वैसे अवैध अतिक्रमण का सफाया किया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समग्र सभा के दौरान गैर कानूनी लारी गल्ला और विविध विस्तारों में रास्ते की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए भाजपा के ही काउंसलर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसमें भाजपा के काउंसलर ने रजूआत करते हुए यहां तक कहा था कि अगर कॉर्पोरेशन के अधिकारी द्वारा इस संदर्भ में कार्यवाही नहीं की जाती तो वे उनके समाज के लोगों के साथ खड़े रहकर ये तमाम अवैध अतिक्रमण को दूर करेंगे। जो धारदार रजूआत के बाद आखिरकार कॉर्पोरेशन का अतिक्रमण विभाग और खुद सत्ताधारी पक्ष हरकत में आते हुए आज सघन कार्यवाही का दौर जारी किया गया, जहां आज छुट्टी के दिन के बावजूद अतिक्रमण विभाग तथा पुलिस स्टाफ के बंदोबस्त के साथ आराधना सिनेमा से लेकर बहुशाजी खासवाड़ी श्मशान तक फैले वैसे अवैध अतिक्रमण को दूर करने के लिए ऑपरेशन जारी किया गया था। कामगिरी की शुरुआत के साथ ही कई व्यापारी और अतिक्रमण विभाग की टीम के बीच तू-तू मैं-मैं और विवाद भी देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस की दखलगिरी के अंतर्गत कामगिरी चालू रखी गई, जहां अतिक्रमण विभाग ने 5 वाहन भरकर 3 मोटरसाइकिल, 1 सामान भरा हुआ टेम्पो जब्त किया है, 3 ट्रक भरकर रास्ते पर पड़ा हुआ कबाड़ी का सामान, अन्य सामान को जब्त करने के साथ ये तमाम रोड लाइन खुले की गई। जाहिर सी बात है कि भाजपा के ही काउंसलर मनीष पगार द्वारा कॉर्पोरेशन की आम सभा में ये अवैध अतिक्रमण के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं करने की नाराजगी व्यक्त करते हुए कहीं न कहीं कॉर्पोरेशन के सत्ताधीश अधिकारियों को हुंकार किया था। जो ये रजूआत के बाद आखिरकार कॉर्पोरेशन विभाग हरकत में आते हुए आज मेयर केयू रोकड़िया, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की मौजूदगी में ही ताबड़तोड़ कामगिरी करते हुए तमाम अवैध अतिक्रमण को दूर किया गया, जहां मेयर केयू रोकड़िया, कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल तथा कई कॉर्पोरेटर भी स्थल पर मौजूद रहे थे। खासवाड़ी नी अंदर जे कई नाना मोटा पतराना शेड के दबाणों, रस्ता पर नड़ता दबाणों अथवा तो जे गाड़ियों जे व्हीकल रस्ता में वर्षों थी पार्क बंद हालत में पड़ी रहा था, लोग गैरकायदेसर रस्ता अने ब्रिज पर दबाणों कर्या हता, जेना कारणे ट्राफिक जाम के एक्सिडेंट की परिस्थिति पर निर्माण थतुं हतुं, तो ये कॉर्पोरेशन द्वारा आ रोड खुल्लो थाय एना माटे पण कार्यवाही करवामां आवी रही छे। अमे जे गेरेजना मालिको छे एने समजावानो पण प्रयत्न करी रह्या छे कि भविष्यमां आ जग्या पर दबाणो न थाय एनी पण तेओ चिंता करे, जेथी कॉर्पोरेशन पण भविष्यमां फरीवार कार्यवाही न करवी पड़े, दंडात्मक प्रक्रिया पण न करवी पड़े एनी ए लोको चिंता करे, तो आ कार्यवाही कॉर्पोरेशन द्वारा खूब समझी विचारीने करवामां आवी रही छे। सामान्य सभा में अनेक काउंसिलर द्वारा अनेकविध मुद्दाओं ने लईने रजूआत करवामां आवी छे। कॉर्पोरेशन द्वारा शहरनी अंदर शांति पण बनी रहे अने रस्ताओ आपणे खुल्ला अने पोड़ा करी शकीए, लारी गलाओनुं पण व्यवस्थित आयोजन थई शके, तो आ तमाम दिशानी अंदर कॉर्पोरेशन द्वारा आजे पण प्रयत्न करवामां आव्यो छे, भविष्यमां पण आवी रीते ज कामगीरी करवामां आवशे। बिल्कुल, आ कामगीरीना माध्यमथी रस्ताओ खुल्ला करवामां आवी रह्या छे, जे लोको गैरकानूनी रीते रोड अने ब्रिज पर पोतानी वर्षो जूना व्हीकलो गेरेजना मालिकोए मूकी दीधा छे, जेना कारणे ट्राफिकनी समस्यानो शहेरना नागरिकोए सामनो करवो पड़े छे, तो एनाथी मुक्त करवानी जवाबदारी कॉर्पोरेशननी छे, पोलीस तंत्रनी पण छे, तो आजे બંનેના સમન્વયથી કોર્પોરેશન અને પોલીસ તંત્રના સમન્વયથી કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે। તો આખા શહેરની અંદર જે જે વિસ્તારમાં દબાણો છે તે અમારું પહેલું કામ છે કે એને વિનંતી કરીને દબાણોને દૂર કરી શકાય, પણ જ્યારે વિનંતીને અવગણવામાં આવશે ત્યારે કોર્પોરેશન પોતાની કાર્યવાહી ચોક્કસ કરશે। આજે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આરાધના સિનેમાથી ખાસવાડી સ્મશાન રોડ ઉપર જે ગેરકાયદેસર રીતે દબાણ કરેલા વાહનો બધા રોડ ઉપર પડેલા છે તેને હટાવવાની કામગીરી થઈ રહી છે। આ બાબતે કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે।